प्लीज़ ये सीरियस मैटर है वोट बॉय, उनके इमरजेंसी में लेके जाऊँ। सुनील, क्या हुआ है अमित भैया को? मैं जब वहाँ पहुँचा तो आने भीख मांग रहा था, कोई उसको उधर धक्का दे रहा है, कोई इधर धक्का दे रहा है बेचारा। मैं जब उसके पास पहुँचा मेरे से बोला कि पापा गिर गए हैं, पापा गिर गए हैं, सब उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं भाभी, 11 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 लाख में गिरवी रख दी है संदीप ने। सक्सेना अंकल की यह हालत करके यहां पर भेजा है काबरा ने। और अमित भैया को इस हालत में तिल करता हूं, चीर चीर फाड़ कर रख दू, खून खोलता है मेरा, खून खोलता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस घर में मौत के मातम को 12 दिन पूरे नहीं हुए उस घर में तुम म्यूजिक बजा रही हो, नाच कर रही हो। अरे तुम इंसान हो? तुम तो जानवर से भी गई गुजरी हो। आरती, तेरी ये हिम्मत मेरे घर में घुस गई, मेरे मेहमानों के सामने इस बदतमीजी से बोल रही है? बस बस जो इससे आगे एक गलत लफ्ज कहा तो ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है, मेरा। और मैं तुम लोगों के दया पर यहां नहीं रह रही, बल्कि तुम सब इस घर में हो तुम मेरी दया से, समझ गए? अगर मैं चाहूं ना तो तुम सबको इसी वक्त इस घर से बाहर कर सकती हूं। तुम पागल हो गई हो क्या है? पागल, पागल तो तुम हो गए हो। 11 करोड़ की फैक्ट्री को तुमने 15 लाख में बेच दिया, छी, लानत है तुम पर। और तुम्हारी बहन मधु, उसने अपने टीवी इंटरव्यू में अपने देवता समान पिता को पागल करार दिया, उस पिता को जिसने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लोगों को जन्म दिया, उसे पागल करार दिया। चुप हो जाओ, वरना 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 क्या कर लोगी तुम? अपने उस काबरा अंकल से कहकर मुझ पर भी हमला करवाओगी, जैसे सक्सेना अंकल पर जानलेवा हमला करवाया था तुम लोगों ने? बकवास बंद कर, जानती हूं तुझे, करोड़ों की जायदाद हथियाने के लिए नाटक है ये तेरा। हाँ है नाटक, क्यों? हक है मेरा, हक। मेरे स्वर्गीय ससुर ने ये सारी जायदाद मुझे दी थी, जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये जायदाद तुम लोगों के हाथ में देते तुम लोग उसे दीमक की तरह चाट जाते। और तुम सब, आप लोग जाइए यहां से, अपना बाकी का नाच गाना और खाना पीना अपने घर में जाकर करिए, अब इस घर में ये सब कुछ नहीं होगा। कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर, ऑल ऑफ यू आउट।
मामा ये हमारे मेहमानों को भेज रही है और ये लोग जा भी रहे हैं, कुछ करो मामा प्लीज। हाँ भेज रही हूँ, क्योंकि ये मेहमान तुम्हारे हैं ऋतु, लेकिन इस घर में बिना मेरे इजाजत के आए, समझी? All of you, get out, fast, quick. Now this is too much, Mama. काबरा अंकल को बुलाना पड़ेगा। अगर इस घर में कोई भी बाहर का आदमी आया ना, तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने वॉचमैन को कह दिया है कि कोई भी बाहर का आदमी इस घर में नहीं आएगा, चाहे वो कितना बड़ा एडवोकेट क्यों ना हो। अगर उसने इस घर में घुसने की कोशिश की तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। सारी दुनिया कहती बेबस अबला नारी है, और तुम्हारे कोर्ट का फैसला होगा तब होगा। सारी दुनिया कहती बेबस अबला नारी है, वक्त पड़े तो, लेकिन इस वक्त मैं इस घर की मालकिन हूँ, और अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। ये बात तुम लोग ध्यान में रखना, इज दैट क्लियर? हर दुख सहने का साहस है, सुख है एक चुनौती, सुख है एक चुनौती, एक वचन की आन बस इसकी जान से बढ़कर होती, जान से बढ़कर होती, जान से बढ़कर होती, कोई जिम्मेदारी है, बढ़कर होती कोई जिम्मेदारी है, वक्त पड़े तो बन जाती ये एक चिंगारी है। उसकी इतनी हिम्मत, चाहता उसका गला दबा दूं। उससे क्या होगा मामा, मेरी बर्थडे पार्टी फिर से तो नहीं मन पाएगी ना, मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे होंगे, मेरे घर में मेरी ही इंसल्ट। Don't touch me. तुम लोग तो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मेरी बर्थडे पार्टी मने। आज सुबह तक तो किसी को याद भी नहीं था। डैडी जैसे भी थे, लेकिन एक सहारा तो था। आज डैडी जिंदा होते तो उसकी इतनी हिम्मत थी कि मेरी बर्थडे पार्टी खराब करे। आज जो दिन देख रहे हैं ना, वो सब तुम लोगों की वजह से। शट अप ऋतु, इनफ, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर एक साल बर्थडे पार्टी नहीं मनाती तो कोई आसमान सिर पर नहीं गिर जाता। देखा मामा, देखा, ये उस आरती का तो कुछ नहीं कर सकती, कामा का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे उतार रही है। मैं फ्रस्ट्रेशन उतार रही हूँ? तुम अपनी गलती तो मानोगी नहीं, तुमने आरती को मौका दिया है इस मातम के टाइम पे बर्थडे पार्टी को इशू बनाने का। मैंने मौका दिया और तुमने क्या किया? क्या जरूरत थी वो टीवी प्रोग्राम देने की? उसी से आरती को गुस्सा आया है, आखिर इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी? और तुम्हें तो उस चंद्र मित्रा के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता ना, कुछ दिखाई नहीं देता, आखिर लगता क्या हूँ तुम्हारा? ओ शट अप ऋतु, मधु जो कह रही है ठीक कह रही है, उसने जो कुछ किया काबरा अंकल के कहने पर किया, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी यार। ये भी नहीं सोचा कि पापा की डेथ को भी 13 दिन भी नहीं हुए। अच्छा, और तुमने उन 13 दिनों में क्या किया? कितनी बार मिलने गई थी तुम इस दीपक जैन से? तुम मेरी चिंता मत करो ऋतु, मैं क्या करती हूँ क्यों करती हूँ अच्छी तरह जानती हूँ, और मधु में भी अक्कल है, तुम्हारे और संदीप की तरह बेवकूफ नहीं है। उमा, माइंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ओहो, भाई साहब, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने 11 करोड़ की फैक्ट्री 15 लाख में क्यों बेची? उस टंडन की वाइफ को राखी का तोहफा दे दिया क्या? हम तीनों सगी बहनें मर गई हैं क्या? ओ शट अप, मैंने फैक्ट्री बेची नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। लेकिन क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझसे कहते तो 20-25 लाख तुम्हें दीपक से वैसे ही दिलवा देती, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ऐसे सड़क छाप दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। अरे वो मुझे 25 लाख क्या देगा, उसकी औकात तो एक शैंपेन की बोतल खरीदने की भी नहीं है। क्या समझती तुम उस दीपक जैन को, क्या है वो कोई लखपति है करोड़पति है क्या है वो? उसकी औकात वही है जो इस रामदीन की है, समझे तुम? दीपक जैन फ्रॉड कहेगा। संदीप तुम हद से बढ़ रहे हो। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होगा,
मैडम ये क्या हो रहा है सब? हमने आपका नमक खाया है, हमसे नहीं देखा जाता ये सब। देखिए मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, ये सब बंद कर दीजिए बस। अरे बुरा वक्त है, चला जाएगा। मैडम है ना हमारे साथ, ये सब ठीक कर देंगे। हाँ मैडम, छोटी मुंह बड़ी बात, आप संभाल लीजिए सब। आपकी तकलीफ हमसे नहीं देखी जाती, आप नहीं देखी जाती तकलीफ। देखा तुमने, तुम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो ना, तुम लोगों से अच्छा तो वहां पर रामदीन है। देखो अगर अब तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो मैं काबरा से कह दूंगी कि यह केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी औलादों के साथ किसी महल में रहने से अच्छा है कि मैं जाके किसी आश्रम में रहूं। प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। Leave me alone. छोटी मालकिन, क्या है? छोटी मालकिन, आज आपने उन लोगों को उनकी जगह दिखा के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम तो नौकर हैं। आपको क्या लग रहा था कि मैं बर्थडे की तैयारी कर रहा था तो बहुत खुश हो रहा था? नहीं, मेरा मन रो रहा था, मेरी हाथ कांप रहे थे। छोटी मालकिन, तेरे वजह से पहले बर्थडे, छी गंदल हो गए ये लोग। वो तो बहुत अच्छा किया राय साहब ने कि आपको इस घर का इंचार्ज बना दिया, वरना ये घर संभालना और वो कारोबार संभालना इन खुद गर्जों की बात नहीं है ना। रामदीन, मैं मम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? अब जाओ, ड्राइवर से कहो कि वो पापा की गाड़ी निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम मुझे रोक रहे हो, मुझे? अरे जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ साहब, ऊपर से ऑर्डर है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी नहीं, तुम बेवकूफी कर रहे हो। मैं इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। गेट आउट मिस्टर काबरा। तुम कौन होते हो इसे नौकरी से बाहर निकालने वाले? आरती साहब, तो ये ऑर्डर तुमने दिया है। मैं सुलोचना दीदी के घर उनकी पार्टी में यहाँ आया हूँ और मेरे साथ गेस्ट भी है। और जाओ मेरे रास्ते से। ये घर तुम्हारे सुलोचना दीदी का नहीं है, ये घर मेरा है, आरती सहाय का। और जो पार्टी उन्होंने करवाई थी उसे मैंने रुकवा दी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग ही जरा सोचिए, इस घर के मालिक के डेथ को अब 13 दिन पूरे नहीं हुए, इस घर में पार्टी कैसे हो सकती है? आप लोग इस घर में कभी भी आ सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम, लेकिन आज नहीं प्लीज। अरे इनसे क्या बात करती हो, मुझसे बात करो ना। तुमसे क्या बात करूं काबरा? इस घर में जो धुआं उठ रहा है ना, उस धुएं के पीछे आग लगाने वाले तुम हो। तुम क्या समझते थे तुम इस घर को बर्बाद कर दोगे? लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती चिल्ला मत काबरा, ये तुम्हारा कोर्ट रूम नहीं और ना ही तुम किसी जज के सामने उल्टा सीधा बयान दे रहे हो। मेरा घर है और यहाँ वही आएगा जिसे मैं पसंद करती हूँ, समझे? मेरी दीदी के घर में खड़ी रहकर मुझसे बहस कर रही हो? जानती हो मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। कोर्ट, कोर्ट रूम में जो बन पड़े कर लेना काबरा, लेकिन इस वक्त इस घर की मालकिन होने की हैसियत से मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। तो तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए पुलिस भी बुलवा सकती हूँ। बहुत मनमानी कर ली तुमने काबरा, अब जाओ कोई नया घर ढूंढ लो, क्योंकि ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। क्या हो गया काबरा? इसकी बातें सुनी दीदी, इसका दिमाग चढ़ गया है। आंटी, इसने मेरी पार्टी भी बंद करवा दी। चलो काबरा अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मम्मी, ये आदमी इस घर में नहीं आएगा और अगर आप इससे मिलना चाहती है ना तो आप इसके साथ जा सकती हैं। आरती छोड़ो ना काबरा, चलो घर चलो। काबरा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें देख लूंगा आरती, देख लूंगा। आदि आओ।
कैसी तबीयत है उनकी? अमित भैया पहले से बेटर है, आईसीयू से रूम में ले जा रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सक्सेना अंकल की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। He is not yet out of danger. ये डॉक्टर्स हमें मिलनी पिली दे रहे हैं। डॉक्टर, yes? How is Saxena uncle now? You're trying your best, madam. What do you mean you're trying, doctor? What do you mean you're trying? You have got to save him, doctor. You have got to save him. Do you understand? Yes, madam. क्या बात है भाभी? घर में कोई टेंशन? मैंने रितु की बर्थडे पार्टी रुकवा दी और काबरा को साई पैलेस में आने से मना कर दिया। इतनी इंसल्ट वो भी मेरे गेस्ट के सामने। जानती हो राजू उनमें से एक जज था, क्या सोचता होगा वो? यार थी साई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका वो हाल करूंगा कि सात पीढ़ी तक कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम आरती नहीं रखेगा। रिलैक्स काबरा, प्लीज कूल डाउन। और वैसे भी ये लड़ाई सुलोचना वर्सेस आरती साई की लड़ाई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई सुलोचना वर्सेस आरती की नहीं है, ये लड़ाई है आरती साई वर्सेस काबरा की। काबरा काबरा काबरा, कूल डाउन, रिलैक्स। लगता है तुम्हारा ईगो कुछ ज्यादा ही हर्ट हुआ है। शैल आई मेक योर ड्रिंक? नो। मेरे लिए तुम इन्फॉर्मेशन लाओ, हर वो इंफॉर्मेशन जो आरती साई के साथ ताल्लुक रखती हो। कोई भी बात नजरअंदाज मत करना, छोटी से छोटी बात को अदालत में बड़ी से बड़ी करके पेश करना मेरा काम है। तुम इंफॉर्मेशन लाने में जुट जाओ। अगर तुमने राजी को काम सौंपा है तो समझ लो कि काम हो गया, सिर्फ थोड़ा सा खर्चा। अरे खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, आरती सहाय को सड़क पर लाने के लिए मैं कोई भी रकम खर्च कर सकता हूं। लाख, दो लाख, तीन लाख, बोलो कितने चाहिए। आरती सहाय का अदालत में मैं वो रूप पेश करूंगा जिसे देखकर उसका वो गूंगा पति भी कहेगा कि काबरा अंकल मुझे इस औरत से तलाक चाहिए।